हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी मस्त हूँ और आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा पहले प्रणाम और छोटों को प्यार। तो आज भाई हमारा ब्लॉग हो रहा है दुकान से स्टार्ट, क्योंकि आज सुबह वैसे ही आजकल लेट हो जा रहा है तो दुकान भी कैसे मतलब देर में पहुँच रहा हूँ। तो बिजू तो खैर स्कूल को चले गई है, गौरी ने आज कर दिया छुट्टी अपनी। और आज हमारा छोटा भाई भी कहते हैं वापसी के लिए हरियाणा के लिए, बच्चे तो खैर यही है, वो भी तैयार रेडी हो रहा है, वहाँ अपना सामान वगैरह पैकिंग वैकिंग चल रही है वहाँ भी। और आपको पहले भी वाले ब्लॉग में भी बताया था मैंने कि शादियों के भी कहते मतलब आने लग गए कार्ड वगैरह हमारे पास, जिसने कार्ड पहुँच चुके हैं। और आज है हमारे मित्र छोटे भाई लवलेस लवी, और भाई देखिए कितना सही हो गया, लड़की का नाम भी दीक्षा लवी। तो आज है भाई की बारात, तो आज हमने जाना है भाई की बारात में सर्वोदय बिहार से। ये जाएगी हमारा क्रिस्टल सुप सागर लॉन पे, तो आज शाम को हम लोग यहाँ पे जाते हैं। आप देखते हैं कौन कौन जाते हैं। चलिए फिर करते हैं आज की दिन की भी शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। 30 रुपए की पूरी करनी होगी ना, उड़द और मसूर। अंकल आपको फ्रेंड्स काम पे इतना व्यस्त हो गया था आज सुबह से, इतनी भीड़ हो गई थी दुकान पे। और अभी पूजा जी आ चुकी है नाश्ता लेके, क्या ले आया आज? अरे यार सुबह से कहते टाइम ही नहीं मिला आज ड्राई फ्रूट खाने का, भी ले आएगा ना। तो भाई नाश्ता भी आ चुका है हमारा, तो आज नाश्ते में आया है, अरे आज तो बहुत आइटम आ गया है। चलिए नाश्ता वगैरह करते हैं, तो अभी मिलते हैं आपसे नाश्ता करने के बाद। तो फिर नाश्ता वगैरह भी हो चुका है, और तुम क्या ले आए? क्या ले लिया भाई ने? कर लिया नाश्ता वगैरह? अच्छा, और भाई भी वहाँ रेडी है जाने के लिए, और अभी जा मिलता है फिर उससे भी। ए बाहर नहीं, अंदर आओ। तो भाई भी जाने की तैयारी में है, तो बाहर के रास्ते कहाँ से आ रही है? अच्छा देखिए कौन चलो फिर आराम आराम में आना, ठीक है? कॉल कर देना तुम्हें भी जा रही तू भी सब। हाँ आज तो खैर धूप भी है, बढ़िया है मौसम, कोई मतलब नहीं उसको। तो भाई भी निकल चुका है हरियाणा के लिए, और अब मैं भी अपना काम वाम करता हूँ। क्या ले आई? वाह नींबू। चलो बढ़िया ठीक है, ओके बताते हैं टेस्ट करके। तो नींबू भी खाने के बाद मैं सोच रहा था उसको धन्यवाद दे के आता हूँ, लेकिन उन्होंने भी दुकान वकान बढ़ा दी थी और मैं भी आ गया हूँ शॉप बंद करके, क्योंकि आज मम्मी भी नहीं आई थी शॉप में। तो मैंने कहा चलो अब टाइम से बढ़ा लेते हैं, तो मैं भी अब पहुँच चुका हूँ घर। चेंज वगैरह भी कर दिया है, और यहाँ इसमें गद्दा वगैरह जैसा पता नहीं क्या रखा है। पूजा ये यहाँ वो क्या रखा था? गद्दा रखा? अरे वो मम्मी के बेड में उनको डालना हो गद्दा है, मम्मी ने उनको उसको वहां से हटा के उस नॉर्मल वाले गद्दे डालती है। अरे उसको वाले गद्दे को बिजू को बेड में आया हूँ, देखो तुमने वहां लगा, उसमें आएगा नहीं आया पता नहीं, छोटा सा लगा था मुझे तो। तो भाई यहाँ पर खाना भी तैयार है हमारा, आज पूजा ने फिर बनाई है झोली, मैं देखता हूँ वहाँ गद्दे को एडजस्ट करता हूँ। छोटा छोटा इसको देख सकते हैं, काम धाम उठाने से पहले नहीं हो रहा यार पूजा है, 3x4 का है क्या? तो बेड तो 6x4 का है, अभी करता है फिर इसको बाद में एडजस्ट, हाथ में धोता है, और खाना भी हमारा बन चुका है। तो भाई अभी खाना वाना लगने तक कहता है, भाई से भी बात हो गई है, वो भी अभी दिल्ली क्रॉस कर चुका है, कह रहा था आज मौसम वगैरह भी अच्छा मिला है वहां पर, कहते अपना कोहरा भी नहीं लगा है आज। और आज एक निमंत्रण भी आया हमारा पास कुसुमखेड़े से, मम्मी कहना करो। अरे कहते हो कुसुमखेड़े से आया था अभी दीपू और वो ना क्या नाम है पंकज, तो पंकज के उसका सास का, अरे घर प्रवेश का, हाँ गृह प्रवेश का। अरे कल ये चक्कर वहाँ जाएंगे, कहाँ जी? यहाँ बधाई देने के लिए।
पिंकी मैजन है। अरे हाँ यार, चक्कर वहाँ बधाई जूल वो बाद में फिर जूल यहाँ हाँ वहाँ से होते हुए आ जाएंगे। ठीक छो। तो फ्रेंड्स अभी खाना वाना खाते हैं, फिर दिन का खाना भी हो ही गया था फिर, और अब आ गया हूँ रूम पे। मैंने कहा थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, तो थोड़ा काम करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं अब आपसे सीधे शाम को। बाय। शाम भी हो चुकी है और यहाँ आज तो आज भाई गौरी ने खुद बनाया है बल पास्ता ये। और कैसा है टेस्ट पास्ते का? तो गौरी ने आज भाई पास्ता जो बना रखा बड़ा जबरदस्त, मजा आ गया पास्ता खा के। मम्मी कैसा है? कैसा बना? मजा आ गया। तो भाई आज तो मैंने जाना है शादी में, कुछ ज्यादा ही मिर्ची हो गई। मिलने भी जाना बाबा। तो मैंने आपको जो है सुबह बता ही रहा था कि अपने छोटे भाई मित्र लवलेश की आज बारात, तो आज हमने जाना बारात में रोड पे। तो अभी तो मैं जरा थोड़ी देर जाता हूँ शॉप को, फिर आते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन हमारे साथ जाएगा शादी में। तो अभी चलते हैं शॉप को। ला जल्दी ला यार बेटा। नहीं अभी बहुत है और बहुत बढ़िया हो रही है। तो तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे बच्चा गुड आफ्टरनून इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग इधर देख। हेलो गाइस कर, गाइस को हेलो कर। पहुंच चुके हैं शॉप में और यहाँ हेलो अमित भाई, क्या हाल है तुम्हारे? कैसा आ रहे हो? अभी पहुंच रहा हूँ यार। अरे अच्छा अच्छा, बड़ी देर में आ रहे हो यार। थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा काम करने लग गया था। मम्मी हो गया दूध, क्या बात? चलो अभी कर देंगे। बाकी ये थैली में किसको रखा? पांडे जी का। कौन से वाले पांडे जी? प्रेम बिहार में। अच्छा बीजेपी वाले पांडे जी। अच्छा हेलो गाइस कहते हैं तुम्हें। बड़ा वाला क्या हुआ? चलो भाई अभी काम वाम कर रहा था फिर, और यहाँ पे बारात की आवाज भी आ गई है। तो अभी देखता है बारात को पहले यहाँ से तो विदा करते हैं, फिर उसके बाद हम भी जाते हैं। अभी मैंने शॉप भी कर दिया क्लोज, क्योंकि बारात हमारी जा चुकी है और तो हम भी निकलते हैं। अब कमलदा भी घर में आ चुके हैं, कमलदा भी हैं आज हमारे साथ। तो अब मैं भी जाता हूँ घर और होता हूँ फटाफट रेडी। ओ कमलदा नमस्कार, क्या बात, तुम पहले बैठ गए। चलो फिर होता हूँ फिर रेडी। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ हाँ पूजा तुम्हारा हो गया? हाँ क्या जैसा बना दे रही है स्पेशल कुछ? अच्छा टमाटर की चटनी। ओ गौरू तुम नहीं हुए रेडी आज? मैं नहीं आ रही यार बेटा। क्यों? मन नहीं कर रहा मेरा। अच्छा बेटा तेल भी लगा लिया ना। चलो और ये क्या कर रखा है? आए नींबू ले दे को, तो कैसा पड़ गया यार। तो भाई देखिए नींबू की हरकत है। तो फिर हो चुके हैं रेडी और कहते हैं आज बच्चे तो है नहीं साथ में हमारे, और आज मेरे साथ है हमारे कमल पांडे जी, कमलदा हमारे, और बाकी हमारे विजय भाई हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं और अब जाके सीधे मिलते हैं आपसे शादी में। कौन ले चला? हटो ठीक है या और कोई वार्तालाप है? आप मम्मी के साथ बहुत दिनों बाद बैठे हैं कमलदा, थोड़ा वार्तालाप कर रहे थे। चले फिर। हाँ मम्मी चलता हूँ। आते हैं आंटी, मिलता है फिर पूरा चल रहा हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आ। ये पहुंच गए। चले फिर। चलो चलो चले कमलदा। तो भाई निकल ही रहे थे और यहाँ पर बारिश भी आ गई है। तो यहाँ पर अभी देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है और वैसे तो अभी हल्की हल्की हो रही है। तो भाई आप पहुंच चुके थे रामपुर रोड पे और मेरे ख्याल से बारात यही वाली होगी, क्योंकि और यहाँ पे हमें कोई बारात नहीं दिख रही है आज।
पहुंच चुके हैं यहाँ पर और कहते हैं साथ साथ में बारिश भी बहुत हो गई है और देखते हैं अभी बारात अंदर को लेके जा रहे हैं। यार यहाँ पर पार्किंग बड़ा दिक्कत है, एक काम करेंगे ना वो कहाँ चले गए, एक काम करो ना आगे चले गए, नहीं लगता है कि यहाँ कहते देख रहे हो पूरी पार्किंग फुल है और फिर आगे से गाड़ियाँ भी डालते रह रहे हैं, तो एक काम करो कहीं वहीं आगे देखेंगे। चलो वहीं चलो यार, वहीं दबा लेंगे कहीं भी साइड में, कमल लगा दे आगे चले गए वो गाड़ी निकाल लेते हो। तो भाई बारात भी अंदर पहुंच चुकी है और कम से कम एक घंटा हो गया हमको यहाँ पे पार्किंग के लिए इधर उधर जाते हुए और अब हमें यहाँ पे मिली है पार्किंग, तो अभी हमने गाड़ी वाड़ी हमने कहते यहाँ पे पार्क कर दी है, अब हम जाते हैं अंदर को, बारात अंदर पहुंच चुकी है। कभी गाड़ी पीछे ले जाओ कभी आगे ले जाओ कभी यहाँ करो, बड़ी देर में तो पार्किंग। पहुंची गए थे और बाकी जो भी लोग हैं यहाँ पे मिल गए हैं और यहाँ मतलब ऐसा माहौल बन चुका है क्योंकि अभी तक खाना जो था हमारा बाहर लगा हुआ था और अभी यहाँ हमने अंदर व्यवस्था कर ली है उतनी देर में क्योंकि बारिश भी आ गई थी, तो अभी खाना वगैरह अंदर ही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप इतनी भीड़ हुई है और बाकी अपना लोगों वगैरह अपना बाहर बच गया है, इन्जॉय कर रहे हैं लोग और भोजन वगैरह हो ही चुका है जैसे भी हुआ हापड़दबड़ में और अभी यहाँ पे दुल्हन का माना चल ही रहा है तो उससे मिलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है, तो और बारिश भी भाई हल्की हल्की मतलब अभी चली रही है, तो हमारा भी भोजन वगैरह हो चुका है तो अभी देखते हैं और बाकी सब लोग अधिकतर लोग सब चले गए यहाँ से और अभी अपना जो है जयमाला वगैरह का प्रोग्राम अभी होना ही है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं जयमाला तक रुक पाऊंगा यहाँ पर, अभी चलते हैं अभी घर को और मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि घर वाले भी कहीं कोई उठे होंगे और आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पर समाप्त, गुड नाइट शुभ रात्रि नमस्कार, कल मिलते हैं फिर आपसे अपने ब्लॉग में, बाय बाय। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग तो कमेंट करके बताइएगा, तो चलो फिर बाय बाय।